व्हाट इज नोड, नोड क्या होते हैं, राइट? तो नोड इज नथिंग बट द स्पेस विच वी क्रिएट टू स्टोर द डेटा एलिमेंट एंड एड्रेस इन अ लिंक्ड लिस्ट. वो स्पेस जो आप क्रिएट करते हैं, स्पेस टू स्टोर डेटा एंड एड्रेस इन लिंक लिस्ट. वो स्पेस जो हम लिंक लिस्ट में डेटा और एड्रेस को स्टोर करने के लिए क्रिएट करते हैं, ये कहलाता है नोड. दिस इज कॉल्ड अ नोड. और हर नोड का कोई ना कोई एड्रेस होता है, राइट? यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्टार्ट, तो स्टार्ट इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंटर. वो पॉइंट द फर्स्ट नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट. ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है व्हाई वी शुड असाइन स्टार्ट टू द नोड. क्योंकि जब आप नोड क्रिएट करोगे तो आपकी लिंक लिस्ट कहां से शुरू हो रही है, ये इंडिकेट करने के लिए हम स्टार्ट पॉइंटर लेते हैं. तो स्टार्ट इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंटर. स्टार्ट इज अ पॉइंटर, वो इंडिकेट द फर्स्ट नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट, जो लिंक लिस्ट के पहले नोड को इंडिकेट करता है. तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं. ठीक है, लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट की डेफिनेशन क्या है, लिंक लिस्ट पे कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, लिंक लिस्ट के एग्जाम्पल्स क्या है. ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट इंटरव्यू के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और TCS में तो अक्सर पूछे गए क्वेश्चन है. और आप समझिए, ये सेम क्वेश्चन केवल TCS नहीं, गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, सारी कंपनीज में पूछे गए क्वेश्चन है एज अ बिगिनर. कि जब आप एज अ बिगिनर इंटरव्यू के लिए फेस करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है, और ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है. लास्ट 20 ईयर मोर देन 50,000 स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड, जिनको मैंने पढ़ाया है. तो समझिए बात को, अगर इतना एक्सपीरियंस लेके मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अगली बारी आपकी है. फिर ये अगला नंबर होगा 50,000, वन से काउंट आगे इंक्रीज होगा. और ये मोर देन 50,000 बात कर रहा हूं मैं, वो गॉट प्लेस्ड इन द लास्ट 20 ईयर. तो ये 20 साल के एक्सपीरियंस को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कि 20 ईयर से जो मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया है डेटा स्ट्रक्चर को लेके, सी को लेके, पाइथन को लेके, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं.